नमस्कार शुभ सकाळ सहित सकाळर प्रथम खबर को स्वागत करछु मुचिनमय प्रथमे हेडलाइन्स आज उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस उत्तर प्रदेश में 15 कोटी ऊर्ध हिताधिकारी संबोधित कर सीधा कथा भी मोदी कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू काश्मीर धारा 370 35 ए उच्छेदर 2 वर्ष पूर्ति केन्द्र सरकार ऐतिहासिक निष्पत्तिर प्रतिफलन शांति फेरी उपत्यका को पथर माड़ छाड़ी विकासधारा सामिल होती युवपीढ़ी गुड़ी गोलार शब्द बदल में विकास भिछी घाट टोकियो ब्रोंज पर लड़ुची भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4 दशंधि पर मेडल जीति इतिहास रचा को मानवीय नेतृत्व में दल कर मुकाबला अंपटे रेसलर रवि जितबे कि गोल्ड मेडल रही क्रीड़ा प्रेमी नजर स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नुआ जुगर आरंभ प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने को कैबिनेट ऐतिहासिक निष्पत्ति एणिक सरकारी स्कूल रे भी आरंभ हो प्ले स्कूल समग्र शिक्षा 2.0 योजना को कैबिनेट मंजूर अगस्त 16 खोल श्रीमंदिर कटक मानि श्रीजीव दर्शन करे श्रद्धा मुख्य प्रशासकों अध्यक्षत बस बैठक में निष्पत्ति राज्य में अन्न्य मंदिर खोलता बेले लिंगराज मंदिर खोल विलंब होष्पत्ति आजु कोविड कटक खोल भितरकनिका अभयारण्य वन विभाग पक्ष पर्यटक मान गाइडलाइन जारी रात्रि जापन उपर कटक पुणि थे संक्रमण वृद्धि कारण हो कि ओडिशा फिर प्रवासी प्रवासी को आसवाई दरकार ना टीकाकरण सर्टिफिकेट और नेगेटिव रिपोर्ट प्रश्न केमी जमापड़ किए संक्रमित सृष्टि द्वंदात्मक पिस्थित एथर संपूर्ण खबर आज उत्तर प्रदेश पाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस 15 कोटी ऊर्ध हिताधिकारी आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार पक्षर् राज्यव्यापी यह दिवस पालन करपत्ति कौन जड़े भी हिताधिकारी यह योजन जमी वंचित नए से नहीं सचेतनता कार्यक्रम आरंभ होना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्राय 15 कोटी हिताधिकारी मागणे राशन सामग्री पाते राज्य प्राय 80 हजार सुलभ मूल्य दोकान एही योजना रे हिताधिकारी मानंकु खाद्य शस्य बंटन करा जाउछि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रधानमंत्री कहि कार्यक्रम रे उपस्थित रहबे बोली जणा पडिछि जम्मू काश्मीर विकास पर केन्द्र सरकार ऐतिहासिक निष्पत्तिर 2 वर्ष पूर्ति 2019 मसीहा दिन में आज दिन में केन्द्र सरकार जम्मू काश्मीर विवादीय 370 एवं धारा 35 ए उच्छेद करते दिन ही जम्मू काश्मीर ठू लदाख अलग कर दुईट केन्द्रशासित अंचल घोषणा कर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह पार्लियामेंट्रे प्रस्ताव को आगत करथिबा बेले एहा मोदी सरकार द्वितीय पाळीर बड़ सफलता बोली कुहा जाउथिला केन्द्रर एही गोटिए मात्र दुसाहसिक निष्पत्तिर सुफल आज उपत्यकारे प्रतिफलित होउछि भयर वातावरण में रही आसुथिबा उपत्यका बासिंदा एबे विकासर स्वाद चाखुथिबा बेले गुळी गोळा आउ बंधुक मुनरे गर्जुथिबा उपत्यकारे एबे शांति फेरिछि पूर्वरु एठाकार युवक माने रास्ता उपरकु आसि पथर माड़ करुथिबा बेले वर्तमान एही युवक विकासर भार जम्मू काश्मीर प्रत्येक अंचल में त्रिरंगा उड़ुता देखा मिली एमती कि एठिकार युवक मैंने आतंकवाद नीति को प्रत्याख्यान कर व्यवसाय सह जड़ित होता बेले अनेक युवक सेनाबाहन जोगदेवा आग्रह देखा पूर्व अपेक्षा घाटी अंचल में आतंकवादी कार्यकलाप कमी सीमापटु पाकिस्तानी आतंकवादी प्रवेश रोक लगी देखा मिली दीर्घ 4 दशंधि पर मेडल लक्ष्य नहीं आज पड़िया को ओह्लाई भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमिफाइनाल शक्तिशाली बेल्जियम ठारु 5-2 रे हारिबा परे भारतीय टीम आज ब्रोंज मेडल पाई जर्मनी सह मुकाबला करुछी आज मैच रे बेल्जियम को हराई मनप्रीत सिंह के नेतृत्वाधीन भारतीय टीम ब्रोंज मेडल हाथैबा सह इतिहास रचिबा को लक्ष्य रखी रेकर्ड देखाइबा को गले 1980 पूर्व भारत ओलंपिक रे 8 गोल्ड मेडल सह रौप्य
ଓ ଦୁଇଥର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାତେଇଛି। ସେହିପରି 2008-2012ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଜର୍ମାନୀ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି। दीर्घ चारि दशंधि पर मेडाल लक्ष्य नहीं आज पड़िया को ओह्लाई भारतीय पुरुष हॉकी दल सेमिफाइनाल शक्तिशाली बेल्जियम ठारु 5-2 रे हारिबा परे भारतीय टीम आज ब्रोंज मेडाल पाई जर्मनी सह मुकाबला करुछि। आजर मैच रे बेल्जियम को हराई मनप्रीत सिंह के नेतृत्वाधीन भारतीय टीम ब्रोंज मेडाल हातेबा सह इतिहास रचिबाकु लक्ष्य रखिछि। रेकर्ड देखाइबाकु गले 1980 पूर्वरु भारत ओलंपिक रे 8टी गोल्ड मेडल सह रौप्य ओ दुइथर ब्रोंज मेडल हातेछि। सेपरि 2008 एवं 2012 रे गोल्ड मेडल जितिथिबा बेले 2016 रियो ओलंपिक रे जर्मनी ब्रोंज मेडल हासिल करिछि। दुई दलर प्रदर्शन हेबो उच्चकोटीर, तबे आजर मैच संघर्षपूर्ण हेबा नै मध्य आशा रहिछि। संपर्क में अधिक सूचना पाई सहित फोनलाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुशांत साहू जोड़ी होती। सुशांत, आज मैच को लेकिन कौन रहा सूचना कारण वर्तमान पुरुष हॉकी टीम ब्रोंज मेडल हातेबा लक्ष्य रखी निश्चित देखते सुशांत सहित जोगाजोग हो पार नहीं, किंतु आज मैच टिके रोमांचकर रहिबो एवं संघर्षपूर्ण रहिबा नै मध्य आशा करा जाउछि। अन्यपटे भारत पर चतुर्थ पदक पक्का करिथिबा रेसलर रवि कुमार दहिया मध्य आज मुकाबला को ओह्लाउछन्ते। दमदार प्रदर्शन सह से 57 केजी फ्रीस्टाइल रेसलिंग रो फाइनाल रे प्रवेश करिथिबा बेले आज तांको प्रदर्शन उपरे समस्तक नजर रहिछि। एहि मैच रे रवि रूस रो ओगु ओवेंको भेटबाकु थिबा गोल्ड मेडल जीति रेसलिंग रे इतिहास रचिबाकु लक्ष्य रखिछन्ते। भारतीय रेसलिंग इतिहास रे वर्तमान पर्यंत कोनोसे क्रीडाबित स्वर्ण पदक हासिल करिनाहन्ते, तेणु रवि कुमार को प्रदर्शन उपरे सारा देशर नजर रहिछि। बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिता केन्द्र कैबिनेट रे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति नियाजाई। देश में समग्र शिक्षा योजना 2.0 को कैबिनेट रो मंजूरी मिली। 2,94,000 कोटी टंकार केन्द्र सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना होउछि समग्र शिक्षा 2.0। एप्रिल 1, 2021 31 मार्च 2026 पर्यंत यह कार्यकारी हेबो। एहा अधीनरे दूर दूरांतरे थिबा शिशुंकु परिवहन सुविधा दिया जिबो। एहा सह राज्यगुडिकु मध्य आर्थिक सहायता प्रदान करा जिबो। सेपटे प्रथम थर पई देशरे 3 वर्षर शिशुंक पई प्ले स्कूल रो परिकल्पना करा जाइछि। सरकारी स्कूल रे प्री प्राइमरी व्यवस्था आरंभ करा जिबो। शिशुंक प्रारंभिक 4 वर्षर प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करबा पई शिक्षकंकु प्रशिक्षण दिया जिबो। स्कूल रे खेलकु प्रोत्साहन करबा दिगरे अतिरिक्त ग्रांट प्रदान करा जिबो। केवल एतिकि नहि हे, प्रथम थर पई शिशुंक सुरक्षार दायित्व तो भारत सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में एलिमेंट्री प्राइमरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई, जैसे अनुराग जी ने कहा, उसकी एक्सटेंशन देते हुए लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को
नई तरीके से न्यू अप्रोच से पैराडाइम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूं, प्रधानमंत्री जी की जो चार बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये चार बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। आगे को रही अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर, किंतु समय गोटे छोट ब्रेक रहा। ब्रेक पर स्वागत। दीर्घ प्रतीक्षार अंत पर अगस्ट 16 खोल श्रीमंदिर। कोविड कटकणा माने श्रीजीव दर्शन करेंगे श्रद्धालु। तेज प्रथम पर्यायर 16-20 तारीख पर्यंत पुरी सहरवासी और 23 सर्वसाधारण महाप्रभु दर्शन करेंगे। बुधवार संध्यारे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों अध्यक्षत बसी बैठक में निष्पत्ति। एसओपी अनुजाई कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट किंवा 2 डोज टीका रिपोर्ट देखा श्रद्धालु महाप्रभु दर्शन करेंगे। से दर्शन समय मुहरे मास्क और सामाजिक दूरता रक्षा करने पर गुरुत्व दिया। समस्त सेवायत श्रीमंदिर कर्मचारी पुणि थे कोविड टेस्ट करा बैठक में निष्पत्ति। तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित आम पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष सीधासलख भाव जोड़ी होती। आलोक, वर्तमान पुरीवासी रिएक्शन कौन आसुची? कारण प्रथम पर्यायर प्राथमिकता दीजिए पुरी सहरवासी को, जे से प्रथम भगवान को दर्शन करेंगे, तापर सर्वसाधारण दर्शन कर। निश्चित भाव चिन्मयी आपड़ जानते आ कि दिन पर भक्त आ भगवान मध्य महामिलन होगा जाऊँगी। कहीं एप्रिल मस 24 तारीख रु वर्तमान पर्यंत श्रीमंदिर बंद रही। गत काली छत्तीसा निजोग बैठक में जहाँ निष्पत्ति आसंता 16 तारीख ठार् श्रीमंदिर खोल, अर्थात आसंता 16 तारीख रु भक्त श्रद्धा मैंने जगारा दर्शन करेंगे। किंतु प्राथमिकता दिगला पूरीवासी की। आपड़ जानते रथजात्रे जो भाव पूरीवासी मैंने अकुंठ सहयोग समर्थन देखेले, ताकू भित्तिक श्रीमंदिर प्रशासन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेला 16 तारीख रु 20 तारीख पर्यंत, अर्थात 5 दिन पर्यंत पूरीवासी की प्रथम दर्शन सुविधा मिल। 21 और 22 तारीख जेहेतु शनिवार रविवार पड़ी, सप्ताहत सटडाउन जारी रही है, श्रीमंदिर को सानिटाइज कर। शनिवार रविवार अर्थात 21 तारीख 22 तारीख श्रीमंदिर बंद रहिबो, किंतु 23 तारीख ठारु सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था जारी रहिबो। किंतु जो एसओपी पूर्व लागू करा जायतिला ठीक सही एसओपी बलवत्तर रहिबो। आपण जानिछन्ति भक्त श्रद्धालु होंतु पुरीवासी होंतु, जो माने श्रीमंदिर को आसीबे सेमाने 4 दिन पूर्व आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सहित आम कहीपर टीकार 2 डोज नहीं प्रमाणपत्र देखेबे। निश्चित भाव समस्त मन में अहेतुक खुशी आम आलोचना करवा। आम सहित जड़े पुरीवासी जोड़ी मौसम प्रथमे कहतु आप खुशी, कारण दीर्घ मस महाप्रभु को दर्शन करना पतित पावन को दर्शन कर मन बुझाऊँ। जिते बड़े 16 तारीख में श्रीमंदिर खोल के व्याकु रही मन में महाप्रभु को दर्शन करेंगे मन में बहुत व्याकु रही मन में 4 दिन खोलें आम बहुत खुशी हबु। आउ जो मैंने टीका नहीं ना से माने भी बहुत दुखित, आउ जो मैंने टीका नहीं आसवे दायित्व से ने। मन में प्रश्न उठू जेहेतु आप पूरीवासी आप प्रत्येक दिन महाप्रभु मंगल आड़ी ठार् रात्र पहुड़ पर्यटन दर्शन करती, आपड़ कौन आज्ञा प्रति 4 दिन थे कोविड टेस्ट करेंगे? कोविड रिपोर्ट जो नियम कराई 4 दिन पूर्व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट पूरीवासी हूँ बाहर श्रद्धा मानों पर दरकार हुए, तो यही व्यवस्था को आपड़ केम देखुं? प्रत्येक 4 दिन थे आप टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट देखिए श्रीमंदिर जी पूरीवासी हिसाब से नहीं हो पार नहीं से कथा पूरी बासंदा हो पार नहीं सी तर कौन गोटे सुविधा करेंगे आ अच्छी बहुत विकल्प अच्छी। लोक मैंने बहुत दुखित होती आम जगन्नाथ को दर्शन पूरी बासंदा संध्या संध्यार सका आसुलु दर्शन करने एमती असुविधा हो बहुत व्याकुल होती। चिन्मयी यही सब मनरे गोटे बड़ प्रश्न उठू श्रीमंदिर खोला हाब ये तो गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप भक्त भगवान मिलन हम, कि बड़ कथ हूँ चिन्मयी जो मैंने गोटे डोज टीका नहीं थे जो मानकर अवधि 84 दिन पूरी नथिबो सेमाने किभली भावे महाप्रभु दर्शन करेंगे? अंपटे जो पूरी बासिंदा मैंने प्रत्येक दिन मंगल आरती रात्र पहुड़ पर्यंत महाप्रभु दर्शन करती कटक रही सेमाने 4 दिन पूर्व आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखेबे। किंतु पूरीवासी एटी प्रश्न सीधासळख करछथि जेहेतु आम प्रत्येक दिन महाप्रभु दर्शन करिबु किभली भावे 4 दिन थे आम आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखिबु। निश्चित भाव में आम पूरा पूरी परिवेश देखेबाक चाहिबु समस्त भक्त श्रद्धालु
ଏହି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ବା ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ସେ ଦିନ ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପାଇଁ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ପାନ ଛେପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକଣା ରହିଛି କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ସେମାନେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କଟକଣା କରାଯାଇଛି 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ୟା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି କଟକଣା କରାଯାଇଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ ଯଦି 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବ ପ୍ରବେଶ ଭିତରକୁ କରିବା ପାଇଁ ଖାସ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଇଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ 10 ଯାହା କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳି ରାସ୍ତାକୁ ବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆକୁ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସପରିବାର ସହ ଆସିବ ସେମାନେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବେ ସେ ପିଲାମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି ଏଇଟା ହିଁ ଗତକାଲି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାହାରେ ବସିକି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଆଶା କରିବା ଯଦି କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇକିରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେବେ ଖୋଲିବ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ସେହିପରି ଆଜି କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାକୁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି ତେବେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 50% ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ଓ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ସେବାୟତ କମିଟି କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ରାତ୍ରି ଯାପନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ମଲ୍ ପାର୍କ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତେବେ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କମାନେ 2ଟି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସରକାର ସିନେମା ହଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର
ब्रेक पर स्वागत। कोरोना महामारी मध्यरे राजधानी रे डेंगू निजर काया विस्तार करिछि। बुधवार सहररु आउ 47 जन डेंगू आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। एहि 47 नुआ आक्रांत को मिसाई राजधानी रे मोट 761 डेंगू रोगी थिबा बीएमसी सूचना दैछि। बीएमसी पक्षरु घर घर बुली स्वास्थ्यकर्मी माने लोकंकु सचेतन कराउछन्ति। अनेपटे लगातार भाबे डेंगू रोगी संख्या वृद्धि पाउथिबा बेले सरकारी मेडिकल रे शय्यार अभाव देखा दैछि, फलरे अनेक रोगी घरोई मेडिकल रे चिकित्सित होथिबा देखिबा मिलैछि। एसीएफ सौम्य रंजन मृत्यु मिस्ट्री रे बुधवार पुलिस दुईट पर्यायर विद्या भारती को माराथन जेरा करे। आज पुणी पुलिस भुवनेश्वर कप्तिपदा फेरुवा सूचना रही। विद्या भारती को आज पुलिस पारलाखेमुंडी नहींपे सीन रिक्रिएसन किंबा अज्ञातवास रखि विद्या भारती को जेरा करे पुलिस। बुधवार दीर्घ 4 घंटार जेरारे पुलिस अनेक गुड़ गुरुत्वपूर्ण तथ्य पाई बेले अधिक खोलताड़ आज कप्तिपदारे विद्या भारती को पुणी जेरा करिबा सूचना रही। आज पुणी थरे विद्या भारती को जेरा करिपारे पुलिस। तबे संपर्क रे अधिक सूचना पई हम सहित फोन लाइन रे जुड़ी होछते हम प्रतिनिधि संतोष वाजनी। संतोष, अपडेट कोन आसुची जे विद्या भारती को आज जेतबेले पुलिस पुणी थरे जेरा करबा नै सूचना आसुची, खास करी केऊ बाबद रे पुलिस पचरा उचरा करबा एवं जो सीन रिक्रिएशन कथा कहा जाउची ए बाबद रे कोन सूचना देबा पई चाहबे? अचिन मैं देखंतु जदि आज कहिबा तो गत 3 तारीख दिन पारला किमतर 4 जणिया पुलिस टीम आसी कप्तिपदा थाना कोर्ट गाँव में आसी से पहुंचे और विद्या भारती घरे जाए तार बापा घरे जाए विद्या भारती जो रोचे तो घरे जाए पहुंची 4.5 घंटा धरी विद्या भारती तार बापा मा को जेरा कर फेरी किंतु तो जिते बड़े कहवा कथा था जी तदंतकारी टीम रुख्य अच्छा पालाकिमुटी आईआईसी विवेकानंद स्वाई प्रतिक्रिया कहते जे ड्राइवर मध्य जो कि कटक जिते एसीबी रु विद्या भारती बापा मा को घटना दिन धरिकी फेरी से बहुत किसी कथा पुलिस तदंत से ड्राइवर दिवाकर महापात्र गणमाध्यम को कही कि कप्तिपदारे दिवाकर महापात्र ड्राइवर को टीम पाई नथिला किंतु रास्तार दिवाकर महापात्र को जारा करा आम पाखे सूचना तथा आम कह तो आज जेहेतु 24 दिन हो गला पुलिस जिते मानने विलंब हो घटनार विलंब हो पुलिस पाखे नुआ नुआ तथ्य सब आसुची पुणी जहाँकि सौम्य महापात्र घर आड़ आत्माहुति चेतावनी देखते सौम्य रंजन बापा मा तो ये घटना को आम मानते गुरुत्व दवा तेना आज पुणी आसुच्च तो आम पाखे जहाँ सूचना अच्छी विशेष सूत्र सूचना अच्छी से टीम पुणी आस तो विद्या भारती को सेने नहीं पारती एवं विद्या भारती को कहीं ने गिरफ करे कि पचरा उचरा करने कि पाला खेबुटी नहीं घटना दिन निश्चित भाव संतोष हुए तो जदिओ बर्तमान तदंत प्रक्रिया चली किंतु या भितर अनेक दिन बीती जाए आज पर्यंत ना कि गिरफ होती ना पूरा सत्य सामना को आसुची जहाँ नहीं बारंबार तदंत प्रक्रिय शिथिलता थिबा बा तदंत प्रक्रिया को नहीं प्रश्न उठाउछंती साधारण जनता। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपणकर तमाम सूचना पाई। समय सरिछि प्रथम खबर को एठ रखुछ। नमस्कार।